मैं शंख बजाता हूँ और तू इसकी आवाज सुन के बता कि तुझे इसकी आवाज कैसी लगी। कैसी लगी आवाज? जैसे वालसापति काका रोज सुबह पूजा करते समय शंख फूंकते हैं, वैसी आवाज थी। अब कैसी थी आवाज? ये आवाज, हाँ, गांव में एक बार रामलीला हुई थी ना, उसमें सुनी थी मैंने आवाज। लंका युद्ध में युद्ध आरंभ करने से पहले वो लोग ऐसे ही शंख बजाते थे। सही कहा, युद्ध घोष। तो साई, तुम तुलसा काकी से पूजा करवाना चाहते हो या युद्ध? शंख से निकलने वाली ध्वनि का भी हम इंसानों ने मानदंड बना लिया है कि अगर ध्वनि ऐसी होगी तो उसका अर्थ है कि ये पूजा पाठ की ध्वनि है, और वैसी होगी तो ये युद्ध के प्रारंभ या उसके अंत की घोषणा है। जबकि सच तो ये है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हमारे मन में डर नहीं, खौफ नहीं, तो हमें अपने चारों ओर सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखाई देती है, सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मन में डर है, असुरक्षा है, तो छोटी से छोटी चीज में भी बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं। गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा, बाबा, आपसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, जल्दी चलिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे आप लोग सब कुशल मंगल तो है ना गांव में? मालसापति जी, आपसे हमें कुछ बात करनी है। अवश्य आइए, भीतर चल के बात करते हैं। बता रही है? नहीं नहीं, आप बाहर नहीं आ सकते।
जी कहिए। जी हमें आपकी बहन के बारे में कुछ कहना है। क्या किया तुलसा ने? पिछले कुछ दिनों से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तो हमारे पास साक्षी भी है और पुष्टि भी हो चुकी है। साक्षी पुष्टि? मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। आपकी बहन डायन है। कैसे बिना सर पैर की बात कर रही हैं आप? देखिए मालसापति जी, मैं आपकी दशा और भावनाओं को समझती हूँ। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सुनना, पर मैं खुद गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पैर उल्टे हैं और वो मेरे बच्चे को चुरा कर लेके जा रही थी। हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये झूठ है। मैंने इसके बच्चे को चुराया नहीं दादा, ये झूठ बोल रही है ये। देखिए कहाँ इसके पैर उल्टे बताइए, हैं इसके पैर उल्टे बताइए। देखो देखो, इसमें कोई शक नहीं है, अब तो तुम्हारे पैर ठीक ही दिखेंगे, क्योंकि तुम हम सबको अपनी असलियत दिखाना ही नहीं चाहती हो। दादा, मासापति जी, यहाँ पर मौजूद सब लोगों के पास पर्याप्त सबूत है, सबने देखा है, महसूस किया है। जानती हूँ कि आपके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए हम सब आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपनी बहन को यहाँ से भेज दीजिए। कुछ गलत फहमी हो रही है। चुप रहो तुम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो हम सबसे? देखिए तुलसा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, आप कैसे आरोप लगा सकती हैं उस पर? हाँ अच्छा, तो क्या ये इस बात से इनकार करेगी कि इसने हमारी गाय का दूध नहीं निकाला? हाँ लिया था, लेकिन वो खुद मान रही है। क्या तुम मेरे बच्चे को उठाकर नहीं ले जा रही थी? उठाया था, लेकिन सुन लीजिए, क्यों हमारे गांव के पीछे पड़ी हो, क्यों गांव छोड़कर नहीं चली जाती तू? आप लोगों में से किसी को भी अधिकार नहीं है मेरी बहन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का। तुलसा तुम चलो अंदर। पार्वती चलो अंदर। इन लोगों की बातों पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। घबराओ मत। गौरी कहाँ है? गौरी यमुना से मिलने गई है। देखिए पार्वती बहनी, आप हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। आपकी ननन डायन है, याद रखो आपको भी एक बेटा है, भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो बहुत पछताएगी आप। लगता है दिमाग खराब हो गया सबका, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। अब हम क्या करेंगे, ये लोग हमें इतनी आसानी से अकेला छोड़ने वाले नहीं। मालसापति जी, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसे शिरडी से, इसे जाना ही होगा, जाना ही होगा, इसे इसे यहाँ से जाना ही होगा, इसे यहाँ से निकालिए मालसापति जी, इसे यहाँ से जाना ही होगा, हाँ जाना ही होगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साई, माफ कीजिएगा, पत्नी अपने मायके गई है, कुछ जरूरी काम था वहां, इसलिए मैं भिक्षा देने आया हूं। राम जी भला करे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भिक्षा में इतना चावल देना ठीक है या नहीं। सच में साईं, औरत घर में ना हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है।
अब लक्ष्मी नहीं होगी तो मुश्किल तो होगी ना। चंदू भैया, हाँ चलिए, कौन सी डाली काटना है? बताता हूँ। डाल काटनी है? हाँ साईं, एक पेड़ के डाली को दीमक लग गया है और मुझे डर है कि वो कभी भी किस पर गिर सकता है, और सारे बच्चे भी उसी पेड़ के नीचे खेलते हैं, किसी को चोट ना आए इसलिए उस पेड़ से डाली को अलग कर देना ही उचित होगा। क्या मैं वो डाल देख सकता हूँ? हाँ, मैं अभी आया। आइए साईं। सुनिए मान सपति जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ऐसा। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी तरीका बना लीजिए, ऐसी औरत गांव में रहे हमें ये स्वीकार नहीं है। कम से कम अपने बारे में सोचिए मालसापति जी, इस गांव में आपकी बहुत इज्जत है और हम सब आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। जब गांव वालों को ये पता चलेगा कि आपने एक डायन का बचाव किया है तो सोचिए, इसीलिए मान लीजिए और निकालिए इसे इस गांव से। लोगों का शोर तो बढ़ता ही जा रहा है, इतनी आसानी से ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए तो पाठ कीजिएगा इसका। दादा, मेरे साई, घबराओ मत, आके मेरे साथ बैठ जाओ। चलो मल्हार। बंता जी, लगता है मानसापति जी के यहाँ स्वादिष्ट प्रसाद बट रहा है, देखिए तो कितनी भीड़ लगी है। चलो देखते हैं। इधर क्या मिल रहा है यहाँ? कोई खास अफसर? आप दोनों को पता नहीं है क्या, मालसापति की जो बहन है ना वो डायन है। डायन? आइए। साई, ये वही डाली है, इसे पेड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं साईं? चंदू, वो कपड़ा देना। साई ओम, 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 साई ओम,
मालसापति जी, हम तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक तुलसा को आप अपने घर से शूरा महेश्वर साहब विवर्जराम समा युधि युयु धाना विराटश्च द्रुपदश्च महाकेतु शिष्कितना काशीराजश्च वीरवान पुरुदंज किंडीवे भूतश्च छैत्रवच से आवाज आना बंद हो गई, लगता है सब लोग चले गए। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई। जिस डाली को तुम लोग खराब समझ रहे थे, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। हम मनुष्य हैं और इसलिए हमसे अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। जिस चीज को हम बाहरी रूप से खराब मानकर सच में खराब समझ लेते हैं, वो दरअसल खराब नहीं होती। उसमें संभल जाने की, सुधर जाने की गुंजाइश होती है। हमें जरूरत है तो बस थोड़ा समझने की, चीजों को सुधारने का, उन्हें संभालने का थोड़ा सा प्रयास करने की। हमारी प्राथमिकता हमेशा हमेशा जोड़ना होना चाहिए, ना कि तोड़ना, अलग करना। और ये बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है। इसलिए जुड़ो और जोड़ते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंता जी कि ये लोग कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं, क्योंकि मालसापति को इस गांव में बहुत इज्जत है। ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मालसापति को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचे। एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है और वो है सरकार। सही कहा अंता जी, सरकार को तो कब से एक मौके की तलाश है मालसापति जी से बदला लेने के लिए। बहुत पक्ष लिया था ना राणा डाकू का, सरकार के न्याय को अन्याय कहा था। जल्दी चलिए पंता जी, सरकार को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलिए। लंबे समय के बाद तुम मूर्खों ने कोई अच्छा काम किया है हरिओम, अब आएगा आनंद। जाओ उन सब लोगों को बुला के लेके आओ वाड़े पे, उनसे कहना कुलकर्णी सरकार न्याय दिलाएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। हरिओम। और सुनो, उस मालसा पति को भी बुला लेना,
अब दाव चलने की बारी मेरी है। जी सरकार। यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रिता। मालसापति जी, सरकार ने आपको वाड़े पे बुलाया है। दादा, सरकार कभी हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे, अब क्या होगा? साईं, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो आगे बहुत पथरा है। इतना बड़ा पत्थर, इसे निकालना बड़ा मुश्किल है। अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा। राम जी भला करे। अरे साई, कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी शिरडी घूम कर आ गई। पौधों के लिए खाद लेने गया था। साई, तुम संतोष भाव को तो जानते ही होंगे ना? प्रणाम साई। राम जी भला करे। साई, मैं बचपन से मैं इनके घर पे उपले बेचने जाती हूँ। इनके पिताजी जाने माने जौहरी है और ये भी उसी कारोबार में है। पहले तो इनके घर पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके पिताजी ही कारोबार को संभालते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे पैसे लिए जिससे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, और तब से संतोष भाव कारोबार को संभालते हैं। मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ, संतोष भाव जी जान से मेहनत करते हैं कि वो अपने पिताजी का कारोबार वापस उस मुकाम तक पहुंचा सके, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ ही नहीं देती है। इन्होंने पंडित जी से भी पूछा। हाँ साईं, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का दोष है जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। साई, होना तो ये चाहिए ना, अगर मैंने कोई बुरा काम इस जन्म में किया तो मुझे उसकी सजा इसी जन्म में मिलनी चाहिए, ना कि अगले जन्म में। साई, तुम ही बताओ, क्या वो पंडित जी सच कह रहे थे? क्या ऐसा संभव है? साई, मेरा भी यही सवाल है। अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? साईं, का ये कहना है कि जब उनको नुकसान हुआ तब वहां तुलसा थी, किसी का छज्जा गिरा, किसी के गाय का दूध सूख गया, क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उसने हमारी मदद की? जब हमसे पूछा जाएगा तब बताएंगे। क्या ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं मालसापति? और तुम अकेले हो शिरडी में जो सत्यवचनी हो? और ये भी तो हो सकता है मालसापति कि तुम अपने बहन को दंड से बचाना चाहते हो। सरकार, वो मेरी मेहमान है, कुछ दिनों के लिए शिरडी आई और फिर वापस चली जाएगी। वो यहाँ बसने थोड़ी ना वाली है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरी ओर से ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं उसे घर में ही रहने दूंगा, बाहर कहीं ना निकले, तब तो ठीक होगा ना सरकार? हरि ओम। मलसापति, मैंने तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, सलाह नहीं मांगी थी। और सुनो, ये मेरी शिरडी है, मेरी, यहां निर्णय मैं लेता हूं और मैंने निर्णय ले लिया है।
हरिओम। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को तुलसा के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है वो सब मेरे सामने आके बताएं कि उन्हें किस तरीके का आर्थिक नुकसान हुआ है। मतलब मरम्मत के लिए व्यय किया गया हो या औषधि के लिए पैसे खर्च किए गए हो या परोक्ष रूप में किसी को नुकसान हुआ है तो आके बताएं मुझे। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, कुछ को इस जन्म में और कुछ को अगले जन्म में। लेकिन ऐसा क्यों साई? मनुष्य की आत्मा का, उसकी रूह का एक सफर होता है अपने कर्मों और उस कर्मों के फल को भुगतने के लिए, ताकि मनुष्य नए नए जन्मों में नए नए चोलों को बदलता हुआ, नए अनुभव प्राप्त करता हुआ अंत समय में अपने गंतव्य को प्राप्त करे, ताकि वो अपने कर्म और उनकी छाया से मुक्त हो सके। और इसके लिए एक जन्म काफी नहीं होता। छुटकारा पाना चाहते हो तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जितना इससे भागोगे उतना उलझते जाओगे, और जितना भोगोगे उतना ही सुलझोगे। साईं, अगला पिछला जन्म तो मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो यही जन्म सत्य है। और यह भी सत्य है कि मेरा भी बुरा दौर चल रहा है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे लिए भला कैसे है? साईं, मैं जो कष्ट सह रहा हूं वो मैं ही सह रहा हूं। साईं, फिर इस कष्ट से सुख ढूंढना कैसे संभव है? मैंने जमीन की गुड़ाई कर दी है, थोड़ी खाद डाल दोगे इसमें? जी साईं। इस पेड़ में खाद तो पड़ गई है, लेकिन अब इस पेड़ को पानी की जरूरत है। इसमें डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओगे इस टोकरी में? इसमें कोई पानी कैसे ला सकता है साईं? सारा बह जाएगा। संतोष भाऊ, अगर साईं ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। साईं, पानी तो बह गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। और हां, इस बार थोड़ा जल्दी आना।
फिर से कोशिश करो। नहीं तुम लोगों ने बताओ अभी मुंह खोलोगे भी या सरकार मेरे घर का छज्जा गिर गया जिसकी मरम्मत पर मुझे 4 रुपए का खर्चा आ गया सरकार तुलसा के कारण मेरा मुन्ना बीमार हो गया जिसके इलाज में पूरे 2 रुपए खर्च हुए सरकार मेरी गाय ने दूध नहीं दिया मेरा 16 आने का नुकसान होगा सरकार उसने मुझे घूर कर देखा था पर तभी इस पोतली से 5 रुपए गिर गए और मुझे मिला ही नहीं कोई प्रमाण है जी सरकार मैं साक्षी हूं उस समय पंताजी मेरे साथ में थे और एक बार तो मेरी आंटी से भी 5 रुपए गिर गए कुल मिला के 5 रुपए ही होंगे और वो भी नहीं मिले क्या बात कर रहे हो तुम्हारे पास है प्रमाण हाँ सरकार मैं साक्षी हूं ना हरिओम हरिओम देखो मांसापति अब मैं क्या करूं इनके पास साक्षी भी है और साक्षी भी अरे भाई तुम चुप क्यों हो अरे कहते क्यों नहीं तुम्हें भी तो लकवा मार गया था ना नहीं उसने तो हमारी मदद ही की जो पूछा गया है उसे स्पष्ट शब्दों में और सत्यता के साथ बताओ बताओ जी सरकार मैं मंडी नहीं जा पाया इसलिए 2 रुपए का नुकसान हो गया कुल मिलाकर कितनी राशि हुई मुनीम 20 रुपये सरकार हरिओम हरिओम बालसापति तुम्हारे पास 2 विकल्प है एक तो अपनी बहन को कल तक शिरडी से बाहर करो नहीं तो गांव वालों को नुकसान भरपाई दे दो इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा सरकार एक तो गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम तुलसा पे लगाया जा रहा है ये उचित नहीं है सरकार उचित अनुचित जो भी तुम समझो लेकिन मैंने निर्णय दे दिया है और मेरे निर्णय पर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है हरिओम साई 6-7 बार कोशिश की जितना तेज हो सकता था भागा दौड़ा पानी लाने का प्रयास किया लेकिन आपने जैसा बोला था बिल्कुल भी नहीं हुआ साई
मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, इसमें पानी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर अगर आपको पानी चाहिए तो मैं दूसरे बर्तन में आपको पानी लाकर दे सकता हूं साईं। पानी मुझे इसी टोकरी में चाहिए। आप ही ना साईं, सब कुछ जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टोकरी में पानी भरकर लाना व्यर्थ का परिश्रम है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये व्यर्थ का परिश्रम है? और नहीं तो क्या साईं? हमारे जीवन की कठिनाइयां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इस टोकरी को ही देख लो, पहले ये बहुत गंदी थी लेकिन अब ये साफ है, स्वच्छ है। आप सच में जुर्माने की रकम के भुगतान के बारे में सोच रहे हो? आप होश में तो हो ना? पार्वती, मेरे पास एकमात्र यही विकल्प है, तुलसा बहन है मेरी, उसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं उसे कैसे इस घर से, इस गांव से जाने के लिए कह सकता हूँ, कैसे? हमने हमारा पेट काटकर गौरी के विवाह के लिए ये पैसे जोड़े। अगर इस पैसे से आप जुर्माना भर देंगे तो हम गौरी का विवाह कैसे करेंगे? आप जानते हैं ना, यमुना के विवाह के समय पैसों की कमी के कारण हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। मैं भी चाहती हूँ कि तुलसा ताई के साथ कुछ भी गलत ना हो, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कैसी बातें कर रही हो पार्वती? अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं हम, बताओ? आपकी जिम्मेदारी तुलसा ताई के लिए तभी समाप्त हो गई थी जब आपने उनका कन्यादान किया था। उनकी वजह से आप अपने परिवार का सुख चैन दांव पर नहीं लगा सकते। पार्वती, तुम ही बताओ, क्या तुलसा के कारण हमारे घर में कुछ भी अनिष्ट हुआ है क्या? हाँ, ये सब गांव वाले झूठ बोल रहे हो, तुम भी जानती हो। और तुम कह रही हो कि मैंने अपने घर परिवार की सुख शांति दांव पे लगा दी, कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है? उसकी वजह से नहीं हुआ है, कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूं? जब बात मेरी बेटी की खुशियों की हो, उसके भविष्य की हो, उसके जीवन की हो, तो बाद में पछताने से बेहतर है कि मैं अभी से सावधान रहूं। बहुत हुआ पार्वती, तुम ये सोच भी कह सकती हो कि मैं अपनी बेटी का बुरा चाहूंगा? मुझे पता है सही क्या है और गलत, समझाने की कोशिश मत करो मुझे। इतने वर्षों में आपने कभी भी मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, और अभी आप कह रहे थे कि कुछ अनिष्ट नहीं। पार्वती, तुम जानती हो तुलसा की कहीं से कोई भी गलती नहीं है। मैं शायद साई के साथ जाकर गांव वालों को समझा बुझा भी लेता, लेकिन कुलकर्णी सरकार ने गांव वालों के साथ सभा बुलाकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो तब से मुझसे नाराज चल रहे हैं जब से मैंने राणा का बचाव किया था, और इसीलिए वो बात बात में अप्रत्यक्ष रूप से उस बात का जिक्र कर रहे थे। तुलसा तो एक बहाना है मुझे परेशान करने के लिए, अगर तुलसा नहीं भी होती ना तो भी वो मुझसे बदला लेके रहते। लेकिन अगर तुलसा ताई हमारे साथ ये जुर्माना भरने के बाद भी रही तो क्या गांव वाले उन्हें हमारे साथ चैन से रहने देंगे? तुलसा ताई को ना खुद की पड़ी है ना हमारी, और अगर कोई गांव वाला मेरे साथ, गौरी के साथ या मल्हारी के साथ उल्टा सीधा या बदतमीजी से पेश आया तब क्या होगा?
आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार में से किसी के भी साथ कुछ अनिष्ट हो। मुझे भी तुलसा ताई की चिंता है, बुरा लगता है उनके लिए, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आने वाली मुश्किलों से, आने वाली झंझटों से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है। गांव वाले कितने नाराज हैं हमसे। कल को अगर गौरी के लिए कोई रिश्ता आया और गांव वालों ने हमारे बारे में लड़के वालों से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तब क्या होगा? अपने कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा, अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा। ये जो बेड़ा आपने लिया है, अब इसे पार भी आपको ही लगाना होगा। नहीं, मैं गांव वालों के कहने पर तुलसा का साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाहती है या उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो बात अलग है, लेकिन मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूंगा। एक भाई होने के नाते मेरी उसके प्रति जिम्मेदारियां हैं और वो मैं निभा के रहूंगा। और रही बात गौरी की, तो मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बिगड़ेगी कि यहां के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से हमारे घर परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। मुझे विश्वास है इस बात का। अरे वाह साई, ये टोकरी तो सच में साफ हो गई। मिट्टी और खाद लाने के लिए मैंने बहुत बार इस टोकरी का प्रयोग किया है, शायद सैकड़ों बार, लेकिन तुमने सिर्फ 7 बार पानी लाने का प्रयास किया और ये टोकरी साफ हो गई। हमारे जीवन का बुरा दौर भी कमोवेश कुछ इसी तरह होता है। जब हमारे जीवन का बुरा दौर होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ सब बुरा हो रहा है, हमारे साथ होने वाला सब कुछ गलत है, हमारे सारे प्रयास विफल हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें विपरीत ही मिल रहा है और हम व्यर्थ में दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब वो बुरा वक्त निकल जाता है, बुरा दौर टल जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर, इस टोकरी की तरह। मैं समझ गई साई, इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अगले जन्म में उसके फल अच्छे मिले। जीवन में जब भी अच्छे और बुने हुए चुनाव करना हो तो चुनाव हमेशा अच्छे का करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छे का चुनाव ये सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ मिले, क्योंकि बदले में कुछ पाने की लालसा, यही तो लालच है, और लालच हमें मोह माया के बंधन में बांध देता है, जबकि जीवन का उद्देश्य तो स्वतंत्रता है, आजादी है। इसीलिए कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी करो और सब कुछ भूल जाओ, शेष भगवान पर छोड़ दो, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब करेगा। सुना आपने, इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने मुझसे झगड़ा किया है, वो भी आपकी मेहरबानी से। अब तो खुश है ना आप? Thank you.
गधा। आग बुझ गई है। देखा तुम लोगों ने, तुलसा पहले शिरडी वालों का नुकसान कर रही थी, लेकिन अब तो अपने ही घर वालों का नुकसान करने लगी। बहन का मोह मैं समझती हूँ, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, समझी आप? मालसापति जी, कब तक आप अपनी बहन का साथ देंगे? पहले इसकी वजह से आपकी बेटी गौरी का रिश्ता टूट चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है? उसकी वजह से नहीं हुआ है। कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूँ? और अब देखिए, आपका घर भी चलने वाला था। मालसा पति जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी ये बहन है ना, ये अपशगुनी है, डायन है, और आप हमारी बात का यकीन ही नहीं करते। अब देख लीजिए, हो गया ना आपका भी नुकसान। ये सुनने वाले कहाँ हैं? चलो चलो भाइयों, चलो चलते हैं यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। शुक्रिया साईं, इतनी बड़ी बात आपने मुझे कितनी सरलता से समझा दी। आपने सही कहा, मैं जो भी काम करता था इस उम्मीद से करता था कि उसके बदले में मुझे कुछ मिले, और जब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाता था, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता था। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। राम जी भला करे। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। रास्ते के बीच पड़े इस पत्थर से राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भाई साहब देखिए ना, ये पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखा है, इसको हटाने में मेरी मदद करेंगे? हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? अब भाई साहब देखिए ना, कितना बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा है, पत्थर को रास्ते में से हटाने में मेरी मदद करेंगे? भाई इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे काम है। भाई साहब थोड़ी मेरी मदद कीजिए ना। भाई साहब थोड़ी सी मदद कीजिए, देखिए कितना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है।
जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जिंदगी में पहली बार बिना किसी उम्मीद के मैंने कुछ अच्छा काम किया और उसके बदले में मुझे यह पुरस्कार मिला। साई ने ठीक ही कहा था। अल्लाह मालिक, आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन लड़के वालों का ना करने का कारण असल में वो नहीं था। तो फिर क्या कारण था? देखिए, मैं और भामा तो ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन लड़के वालों को किसी ने तुलसा की अजीब हरकतों के बारे में बताकर उनके कान भर दिए। और कहा कि ये लक्षण पुश्तैनी होते हैं, वंशानुगत हैं, और इसी बात से वो लोग डर गए। उन्हें लगा कि कहीं गौरी भी अपनी बुआ की तरह। वैसे हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं। महासभापति जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुन लिया आपने, तो आपको तसल्ली हो गई ना कि गांव वाले जब से ताई यहाँ आई है तब से उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। आप तो बड़ा कहते थे कि गांव वाले क्यों हमारी बुराइयां करेंगे, क्यों किसी को हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन अब क्या कहेंगे आप? कब से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते लड़के वालों ने ये रिश्ता तोड़ा है, लेकिन आप अपनी जिद के आगे मेरी सुनते ही कहां। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि आपकी ताई के चलते अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। और कितनों का मुंह बंद करवाएंगे आप? एक दो लोग हो तो ठीक है, लेकिन आज आधा शिरडी आपकी बहन को डायन समझता है, और जिसकी बुआ को लोग डायन समझते हो उसके घर में भला क्यों कोई रिश्ता करेगा? कैसे होगी मेरी गौरी की शादी? कौन करेगा उससे विवाह, बताइए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है,
को ताई से कहना ही होगा कि वो यहाँ से चली जाए। आप उन्हें अपना समझते हैं ना? क्या वो मानती है आपको अपना? इतने दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए, पर आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऐसा क्या कारण था जिसके चलते उनको रातों रात शिरडी आना पड़ा। उनके ससुराल में क्या हुआ है, उनके बच्चे पति सबके बारे में एक शब्द तक नहीं बताया आपको। और एक आप हैं, अब क्यों ताई की चिंता में अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं? उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हैं आप। लेकिन तुलसा की देखरेख करना, उसे सहारा देना मेरी जिम्मेदारी है पार्वती। जिम्मेदारी है नहीं, जिम्मेदारी थी। विवाह के बाद एक स्त्री की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, और अभी आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी की ओर है। आपको अब भी अगर अपनी ताई का साथ देना है ना, तो दीजिए। लेकिन एक बार गौरी की आंखों में आंखें डालकर उससे कह दीजिए कि उसका विवाह अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो आजीवन कुंवारी रहेगी, और हो सके ना तो इसका कारण भी उसे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं तुलसा को भेज दूंगा उसको वापस घर। कारण आपको बहुत दुख उठाना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। द्वारका में ले चलोगे? क्या मैं आखिरी बार साई से मिल सकती हूँ? महालसापति जी, क्या आपने सच में अपनी बहन को खुद से दूर करने का मन बना लिया है?
तुलसा, तुम्हारे हिस्से के शंख अभी भी बचे हैं मेरे पास। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है साईं। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मेरी बात को तुम हमेशा याद रखना, कभी मत छोड़ना सब्र का दामन, डट कर रहना होगा तुम्हें। तुलसा चलो। दरिया को दरिया बनने के लिए पथरीले रास्तों से होकर गुजरना ही होता है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ तुलसा, और तुम्हारा यह संघर्ष ही पूर्णता की ओर ले जाएगा तुम्हें। साली कमीनी, बच्ची को मारती है साली कमीनी। अक्कल नहीं है तुझे? बिना हाथ धोए तूने बच्ची को कैसे छू लिया? मुझसे गलती हो गई, धोकर आती हूँ मैं, अभी धोकर आती हूँ मैं, हाथ धो के अभी आती हूँ, हाथ धो के आती हूँ। और अच्छे से हाथ पोंछ भी लेना। अच्छा मैं बुद्धू जो तुम लोग को ढूंढ रही थी, और तुम लोगों की जलेबी के लालच में मुझे अकेला छोड़कर आ गए। देखो परी बहुत अच्छी लड़की है, और वो बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। अपने दोस्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? हाँ साईं, परी बहुत अच्छी है, लेकिन जलेबी जितनी अच्छी नहीं। ये लो परी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले आए, इसलिए ये उसकी भरपाई और ये एक उसका मुआवजा भी। धन्यवाद साईं।
तुम्हें भी खानी है जलेबी। साई, आप उसे मत दीजिए। नहीं उद्धव, ऐसा नहीं कहते। याद रहे, हमेशा बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि खाने का असली मजा सबको बांट कर खाने में ही है। वो तो है साई, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। ये दुष्ट है, बदमाश है, बुरा है। और तुम बड़े सीधे हो, जैसे तुम फल चुराते हो, अपने माता पिता से झूठ बोलते हो। अब तुम बुरे हुए कि मैं अपना दोस्त बनाना चाहते थे। अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने क्या किया, हमारा मजाक उड़ाया। ये होता है बुरा। तू बुरा है, गंदा है। तू है बुरा। तू है। तू 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 है बुरा। तू है। अरे बस बच्चों, बस शांत हो जाओ। अगर तुम लोग तुमसे हम पर आ जाओ तो देखना, साथ मिलकर रहने में, साथ मिलकर खेलने में कितना आनंद आता है। उसके लिए मुझे इससे हाथ मिलाना होगा, जो मैं कभी नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है, मैं तुझ जैसे गंदे लड़कों से अपना हाथ मिलाकर अपने हाथ गंदे करूंगा? राम जी भला करें। ये ले चले भी। क्या घर की बहू को खाना बनाने के लिए, पानी लाने के लिए और दूसरा कोई काम कहना गलत है? और तुम्हारी बहन तो कहने में भी कोई काम नहीं करती। जब देखो इस पर सफाई का भूत सवार रहता है। विचित्र है भाई ये। हाँ, तुलसा जब पहली बार शिरडी आई थी तब उसका व्यवहार काफी विचित्र था, लेकिन साई की वजह से वो पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन पहले से बेहतर हो गई है, तो उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? उसे वापिस छोड़ने क्यों आ गए? मैं सब जानती हूँ, इसने वहां भी तुम सबकी जिंदगी को नरक बना दिया होगा। नहीं तो कोई बहन इतने सालों बाद अपने भाई के घर जाए और उसका भाई उसे इतनी जल्दी वापिस छोड़ने आ जाए। वो क्या बोलेगा? इस घर के सारे निर्णय मैं लेती हूं। इसका पागलपन मैंने देखा है और सहा है। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन कम से कम उसकी बेटी के बारे में तो सोचिए। एक बच्चे को उसकी मां की जरूरत होती है। ऐसी मां से दूर रह के वो ज्यादा खुश है। देखिए, हर बच्चा अपनी मां से बहुत प्यार करता है। मंजरी बेटा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी मां तुम्हारे पास यहां रहे? सच सच बताओ। नहीं। सुना आपने? बेटी, तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आती? तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे या नहीं? साई ने आपस में लड़ने से मना किया था ना? चोर, जुगलखोर! आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूं कौन। तो क्या मैं तुझसे कम हूं?
लोगों को, मेरी बात मानते क्यों नहीं? बंद करो लड़ाई। बहन को अपने साथ लेके जाओ। हम इसके बिना बहुत खुश हैं। कृपा करके ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए उसे यहां रहने दीजिए। पिता के रूप में जिम्मेदारियों ने मेरे हाथ बांध रखे, नहीं तो मैं तुलसा को अपने यहां शिरडी में कुछ और दिन रहने देता। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे अपने पास रख लीजिए। आखिर इस घर की बहू है तुलसा। मैं आपसे विनती करता हूं, छोड़ दे हमेशा के लिए, क्योंकि तू इसी लायक है। आपस में लड़ना बंद करो, स्थिर हो जाओ। तुम लोग कीचड़ में नहीं दलदल में गिरे हो।